हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप सबका फेवरेट मिंत्रा पार्टी वियर साड़ी हॉल और वेडिंग वियर साड़ी हॉल। तो ये सभी साड़ियाँ सभी कैटेगरीज की फीमेल पर बहुत अच्छी रहेंगी, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर वुमेन्स हो। अगर आप अपने लिए वेडिंग पार्टी वियर साड़ी और फेयरवेल के लिए देखना चाह रहे हैं तो आप इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, एंड सभी बहुत अच्छी हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको पसंद आता है, तो हिट अ लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच गुड वीडियोस। सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, इट्स टोटली फ्री। एंड आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगी, सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। जो फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक ग्रे कलर की साड़ी, ये देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही इसका ब्लाउज पीस दिया हुआ है, ये वुवन पैटर्न में ब्लाउज पीस आएगा, प्रिंटेड ब्लाउज पीस है ये। और ये कुछ इस तरीके का है, इन्होंने इसको स्टिच कर दिया है ताकि वो आगे से थ्रेड्स निकल आते हैं ना, तो इस वजह से इनको डबल करके स्टिच कर दिया है। तो कुछ इस तरीके का डार्क चारकोल ग्रे कलर में ये प्रिंटेड ब्लाउज है। और आजकल प्रिंटेड ब्लाउज बहुत फैशन में है प्लेन साड़ी के साथ। तो ये बॉर्डर वाली साड़ी है, ये देख सकते हैं इसका ग्रे कलर है, बॉर्डर वाली वूवन डिजाइन की साड़ी है। नीचे जो बॉर्डर दिया हुआ है ये वूवन पैटर्न में है, आप देख सकते हैं काफी ब्रॉड बॉर्डर है। और ये कुछ शिफॉन टाइप का फैब्रिक है, ये साइड पर तो लिखा हुआ है कि ये सिल्क ब्लेंड है, बट ये सिल्क ब्लेंड नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, शिफॉन है, कुछ इस टाइप का कपड़ा है, बहुत ही लाइट इन वेट है, कंफर्टेबल है पहनने में। एंड यहाँ से इसका बॉर्डर स्टार्ट होता है पल्लू पर, तो पल्लू पर भी आपको टोटल बॉर्डर दिखाई देगा इस तरीके। तो बॉर्डर वाली प्लेन साड़ी है, वोवन डिजाइन पैटर्न में है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सिंपल एंड सोबर साड़ी है, काफी एलिगेंट लुक क्रिएट होता है इसको पहनने के बाद। और नीचे देखिए काफी ब्रॉड बॉर्डर दिया हुआ है। प्लेन साड़ी को आप टीम अप करते हैं प्रिंटेड ब्लाउज के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है। यह है इंदस ब्रांड की साड़ी, एंड इंदस ब्रांड की साड़ी के जो डिजाइंस होते हैं और पैटर्न्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस साड़ी की जो लेंथ है वो है 5.5 मीटर, 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस है एंड 1.06 मीटर की अप्रॉक्स इसकी विड्थ है। तो काफी लंबी चौड़ी साड़ी ये है और ये परफेक्ट रहने वाली है किसी भी आपकी फेयरवेल का फंक्शन है या पार्टी है, इवनिंग इवेंट्स है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लुक क्रिएट कर सकती है। तो आप चाहें तो इसको ट्राई दे सकते हैं, इसमें भी कलर्स आई थिंक अवेलेबल है। तो मुझे ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ब्लैक और सारे कलर्स तो यूजुअली आपको मिल ही जाते हैं, बट ग्रे कलर की साड़ीज बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे ये ग्रे कलर बहुत पसंद आया। सो फर्स्ट साड़ी ये है। सो गाइस, सेकंड साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पीच एंड ब्लैक कलर की हाफ एंड हाफ साड़ी, टाई एंड डाई पैटर्न में है। और स्टार्टिंग में भी इसका ब्लाउज पीस दिया गया है, ये देख सकते हैं इसका ब्लाउज पीस भी सेम ऐसे ही इन्होंने डबल फैब्रिक करके इसको टक कर दिया है ताकि इसके थ्रेड्स ना बाहर आए। एंड यहाँ से स्टार्ट होती है साड़ी, इसमें इस तरीके का लेस वर्क भी दिया गया है, गोटा पट्टी वर्क जिसे आप कह सकते हैं। ये है पॉली जॉर्जेट फैब्रिक में, इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, लाइट इन वेट है एंड जॉर्जेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस तरीके के नीचे से बॉर्डर आएगा, ये देख सकते हैं आप, ये प्लीट्स वाला पार्ट है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका पल्लू, ये देखिए टाई एंड डाई पैटर्न में है और सब कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया। देखिए ये इसका पल्लू, हाफ एंड हाफ साड़ी का जो पैटर्न है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके का पल्लू है इसका। अगेन ये है इंदस ब्रांड की साड़ी और इसमें भी एक दो कलर्स अवेलेबल हैं, मुझे ये बहुत पसंद आई, पीच एंड ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं।
इस साड़ी की जो लेंथ है वो भी अगेन 5.5 मीटर की है, 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस है एंड 1.06 अप्रॉक्स की इसकी विड्थ है, तो काफी अच्छी लेंथ एंड विड्थ है साड़ी की, प्रॉपर साड़ी है ये। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई, लाइट इन वेट है, इसको पहनने के बाद बहुत ही एलिगेंट फील होता है, एलिगेंट लुक क्रिएट होता है, यू नो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप की साड़ी मुझे ये लगी, तो ये पहनने के बाद भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक ऑरेंज कलर की एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी, ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही इसका ब्लाउज पीस दिया गया है और वर्क बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है ब्लाउज पर, बट जितना भी वर्क है वो सफिशिएंट है एंड मुझे लग रहा है कि इस साड़ी के साथ, साड़ी बहुत हैवी है तो उसके साथ ये मैच करेगा, और यहाँ इसके बाद साड़ी स्टार्ट होती है और इस साड़ी पर कुंदन वर्क किया गया है, काफ़ी हैवी वर्क वाली साड़ी है ये, आप देख सकते हैं नीचे की साइड प्लेट्स पर कुछ इस तरीके का वर्क आएगा, टोटल कुंदन वर्क है ये, काफी हैवी साड़ी है, तो ये कुछ इस तरीके का है, कलर भी बहुत प्रिटी है इसका, और यहाँ से इसका पल्लू स्टार्ट हो जाता है, पल्लू पर तो बहुत ही हैवी वर्क दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ऑल ओवर जो पल्लू है वो कुछ इस तरीके का बूटी बूटी वाला वर्क है और ये कुंदन वर्क है जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है। तो जो वुड बी ब्राइड हैं या न्यूली ब्राइड हैं तो वो अपने लिए इसको ट्राई दे सकते हैं, उन पर बहुत अच्छी लगेगी, ये एक हैवी वेडिंग पार्टी वेयर साड़ी है ये, तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये है मितेरा ब्रांड से एंड इस साड़ी की जो लेंथ है वो भी 5.5 मीटर की है, 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस है एंड 1.06 मीटर अप्रॉक्स की विड्थ है। इसका जो फैब्रिक है वो है सिल्क ब्लेंड, तो ये उसी पैटर्न में है और इसका जो फैब्रिक की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल है पहनने में, थोड़ा सा हैवी साइड पर है एंड ये प्रिटी लगती है पहनने के बाद, तो जो वेडिंग के लिए या अपनी शादी के लिए देख रहे हैं तो वो उसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत प्रिटी लगने वाली है, इसका वर्क बहुत अच्छा है एंड काफ़ी हैवी साड़ी है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको परचेज किया है। इस साड़ी का कलर बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही खिलकर आता है ये कलर पहनने के बाद, जितना ये फोटोग्राफ में प्रीटी लग रही थी उतना ही रियलिटी में भी बहुत ही प्रीटी कलर है एंड ऑरेंज कलर तो सभी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ये इसका कलर एंड जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो मुझे बहुत पसंद आया, आप देखिए कितना नीटली वर्क इसमें किया गया है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो।